सड़क साल पागुर करे हुटर करे सलाम आ दाए में बाया घुसे काशी चक्का जाम। बनारस का भोकाल का अगर कहेंगे तो केवल भोकाल ही है यहाँ। हम योगी का ही भक्त हैं भैया कि जो कांग्रेसी है वो भी कल से सलवार समीज पहनेंगे तो कैसे लगेंगे दिग्विजय सिंह। ये दिग्विजय महंगाई है वो भाजपा की समर्थित अब भाजपा ही लोगों के लिए नहीं है बाकी लोगों के लिए है। यानी उनको दुकानदार अलग दाम में देता है हमको अलग दाम में देता है। एक कांग्रेसी है कांग्रेस और कांग्रेस के एक कम्युनिस्टी है कांग्रेस के अटैच लेटिन बाथरूम। पांडे जी विकास पे कम बोलते हैं मोदी जी का झाल ज्यादा बजाते हैं। राहुल गांधी जी आए थे मोदी का विकल्प बनने जानी लीवर का विकल्प बन के रह गए। भौकाल यूपी का देख रहे हैं आप तो भौकाल यूपी में जो बनारस का भौकाल है ना बनारस के भौकाल के लिए बहुत सारे अड्डे हैं बहुत सारे पंचायत के अड्डे बहुत सारे चर्चा के अड्डे और सबसे बड़ा अड्डा चाय का होता है। और चाय के अड्डे पे हम ऐसी जगह आए हैं जो कि पूरी दुनिया में हाँ विश्व प्रसिद्ध चाय की दुकान पप्पू चाय की दुकान। हम इस समय बनारस में 80 घाट की तरफ हैं और यहीं पर चाय की दुकान है। गजब का चाय बिकता है चाय से ज़्यादा यहाँ चर्चाएँ होती हैं। हम सीधे दुकान में चलते हैं और बात करते हैं लोगों से। आइए तो देखिए इस वक्त हम आ चुके हैं वहाँ पे पप्पू चाय यहाँ पे चर्चाएं होती हैं और यहीं से कहते हैं ना लोगों का मिजाज जो होता है वो हर दिन बदलता है और कब क्या होने वाला कोई नहीं जानता है। बनारस के सांसद मोदी जी हैं और कहा जा रहा है इस बार कि अखिलेश योगी जी की सरकार को कड़ा टक्कर देंगे लेकिन यहाँ के लोग का क्या मानना है इन लोग से बात करेंगे पूछेंगे जानेंगे हाल। चाचा नाम क्या पड़ेगा आपका? अरविंद योगी। अरविंद योगी अरविंद अंकल जी हमारे तो अंकल जी लगेंगे तो अंकल जी मतलब आपके नज़र में बनारस में काम हो रहा है कुछ या फिर सिर्फ ढकोसला है? काम तो हुआ है। काम हुआ है बहुत हुआ। हाँ तो मतलब कुछ यहाँ भाजपाइयों की उदासीनता के वजह से वो स्लो है कुछ MLA लोगों की आक्रमणता के वजह से जो प्रधानमंत्री ने भी अपने भाषणों में इंडोर्स किया तो लेकिन ओवरऑल हुआ। तो रोष क्या है किस विधायक के प्रति रोष है और कौन से नेता यहाँ पे जमीन पे आते हैं जमीन पे नहीं आते हैं काम करते नहीं करते क्योंकि बाढ़ का पानी बढ़ता है और मतलब सुनने में आता है कि लोग बाहर नहीं निकल पाते सामने घाट से। देखिए उत्तर प्रदेश एडमिनिस्ट्रेशन का ये काम है और एडमिनिस्ट्रेशन जो आज 40 वर्षों से प्रदूषित है वो कोई भी ईमानदार आदमी इतने बड़े जखीरे को ठीक नहीं कर सकता। योगी ने कुछ प्रयास किया लेकिन हमें नहीं लगता है कि 50% से भी ऊपर सक्सेस मिला हो। ओवरऑल जो भी हुआ हम उम्मीद नहीं कर सकते थे कि बनारस के लिए कुछ भी डेवलपमेंट हो सकता है फ्यूचर में। इस सरकार में अब PM कंस्टिट्यूएंसी होने के नाते ही सही लेकिन बहुत कुछ मिला। देखिए हमारे शो का नाम है भौकाल यूपी का तो भौकाल शब्द जो है वो बनारस से ही आता है और हम इसीलिए थोड़ा आए आप लोग से कि यहाँ पे जो चाय है चाय भी भौकाली होती है और यहाँ लोग भी बड़े भौकाली होते हैं तो आप लोग से इसीलिए हम चर्चा करना चाहते हैं। अंकल जी आप जरा बताइए आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रामाज्ञा शशिधर है। रामाज्ञा अंकल हमारे साथ हैं। आपके विचार क्या है इस बार मतलब चुनाव उनाव जो चल रहा है यहाँ माहौल क्या है किसका मतलब ज़्यादा चांस है किसका कम चांस है और कौन अच्छा काम कर रहा है कौन बुरा कर रहा है कुछ? देखिए जनता त्रस्त है महंगाई से और सड़क पर जो लड़ाई चुनाव की चल रही जो आप बातें कर रहे हैं चलने वाली है और उसको जनता सोच रही है लेकिन सवाल कुछ दूसरे भी यहाँ हैं। जैसे एक सवाल तो यही है कि अलग अलग मोहल्लों में अलग अलग तरह से विकास हुआ है। हाईवे का और बाहर का लाइट एंड साउंड और सर्विस सब कुछ सही है लेकिन मोहल्लों का विकास जैसे सामने घाट में आज इस बार भी बाढ़ आ गई लोग डूब गए वहाँ पर तो ना वहाँ पर पुल बन पाया है और ना आप देखिए 80 से लेके मालवीय पुल तक 7 सालों से मोदी जी हैं योगी जी 5 सालों से अभी तक पक्का घाट नहीं बन पाया है। तो जन समस्याएं भी नगर निगम इन्होंने बना दिया लेकिन नगर निगम का डेवलपमेंट कहीं नहीं हुआ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ये सब समस्याएँ भी हैं। और चुनाव को ओवरऑल जनता विकास पर भी वोट देती है लेकिन जो हम लोगों की जो जेब है हम लोगों का पेट्रोल की स्थिति क्या है सरसों तेल आप देख रहे हैं गैस का दाम कैसे बढ़ रहा है ये तो महंगाई भी एक और बेरोजगारी भी एक समस्या है बहुत बड़ी। रोजी रोजगार पर्यटन का क्षेत्र है यहाँ नहीं चल रहा कोरोना के कारण भी स्थिति बहुत खराब है तो ये सब समस्याएं हैं। और एक बड़ी समस्या
शहर नहीं गांव को आप देखिए, किसानों की समस्या जटिल होती जा रही है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में किसानों के साथ हुआ और देश में हो रहा है, ये तीनों काले कानून अगर ये वापस ले लेते हैं मोदी जी, तो योगी जी को फायदा हो जाएगा। मुझे तो कई बार लगता है कि क्या योगी जी को डैमेज करने के लिए ही काशी के लोग चिंतित हैं, ये किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देना और तमाम तरह के मौतें हो जाना, दुनिया भर की चीजें, तो ये सब चीजें भी हैं, तो अभी कहना मुश्किल है। मिजाज तो अभी कई बार बदलेगा उत्तर प्रदेश का, और बनारस भी करवट लेगा। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मीठा मीठा ही होगा, मीठा और कड़वा दोनों रहेगा। अच्छा देखिए देखिए, ये कहना कहना साफ है कि महंगाई पे तो चिंता करिए जरा, जनाब देखिए पेट पे जब लात पड़ती है तो ऐसी ही आवाज निकलती है। क्या अंकल जी जो चचा कह रहे हैं ये बात, क्या आप भी उससे सहमत है पूरी तरह से? आपका क्या विचार है? नहीं, मैं सहमत नहीं। हाँ, आपके क्या विचार है? देखिए यही खूबसूरती है बनारस की, खूबसूरती लोगों की खूबसूरती कि एक व्यक्ति अगल बगल बैठे हैं, दोनों के विचार अलग है लेकिन हाँ दोनों लोग मुद्दे की बात करते हैं। चाचा आप बताइए। काशी का विकास बहुत ही व्यापक रूप में हुआ है, आप देख रहे होंगे जो सड़कें टूटी फूटी रहती थी वे सड़कें आज टूटी फूटी नहीं दिखाई दे रही हैं। ये विश्वनाथ कॉरिडोर जो है, जो बन रहा है, वह बहुत ही इस सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण देन मानी जाएगी, क्योंकि विश्वनाथ कॉरिडोर बन जाने से विदेशों के लोग भी यहाँ पर आने लगेंगे, और एक बार से काशी जो है टूरिज्म का एक बहुत महत्वपूर्ण। अच्छा, कॉरिडोर की बात कर रहा हूँ, मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, मेरे दिमाग में कब से चल रहा था, मैं वहाँ गया था तो बगल में एक पार्किंग बनवाए हैं, मतलब बना है 3 फ्लोर की, और उसमें कैपेसिटी है 350 गाड़ियाँ पार्क होने की, लेकिन गाड़ी पार्क जब हम लोग गए, हमारी जी मीडिया की टीम पहुँची वहाँ गाड़ी पार्क करने के लिए, तो वहाँ पे गाड़ी जब पार्क होती तो लोग कह रहे हैं कि भैया यहाँ तो 100 से ज़्यादा दिन भर में पार्किंग नहीं होती है, 200 से ज़्यादा पार्किंग नहीं, और कुल गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी थी, कसम बता रहे हैं हमने देखा। तो ये सब उचित है क्या? इस तरह से विकास होगा क्या? ऐसा है आपकी दृष्टि में विकास का क्या प्रारूप होना चाहिए? अलग हो सकता है, विकास हो रहा है, और विकास हो ही नहीं रहा है, विकास अपनी चरम सीमा पर है, विकास की प्रगति होने जा रही है, और समस्याएं तो हमेशा रहेंगी, संसार है तो संसार कभी समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकता। चाचा बोल रहे हैं और चाचा को नाराजगी हो रही कि नहीं, कुछ मुद्दे हैं जो इनके मन में उबाल मार रहे हैं, क्या देखिए अभी इन्होंने कहा कि समस्या का निदान कितना हो रहा है, सवाल ये उठता है कि सत्ता काम क्या कर रही है, समस्या पैदा करके निदान करना है समस्या का, या जो पहले की समस्या है उसको दूर करना है। हम प्रतीज प्राची काम में सुंदर यहाँ के काशी को हमारे मालवीय जी ने बनाया था, अतीत को और वर्तमान को जोड़ के एक भविष्य, सुखद भविष्य की निर्माण की बात कर रहे थे, हम अतीत को खत्म करते जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर बाबा विश्वनाथ की नगरी जो इनको मोहित करती थी और यहाँ आके बस गए थे बाबा विश्वनाथ, उनको अगल बगल बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं से आपने घेर दिया, बड़े बड़े इमारत बन गए, वो गलियाँ कहाँ गई जो सुकून में आए थे बाबा यहाँ पे, जिस आनंद कानन के सुकून के लिए आए थे बनारस में, वो गलियाँ खत्म हो गई। आप विकास की बात करते हैं, मैं पत्थरों के विकास की बात नहीं करता हूँ, मैं बौद्धिक विकास की बात करता हूँ। आदमी को बौद्धिक रूप से मजबूत होना चाहिए, न कि पत्थरों के रूप में। अच्छी सड़कें होना बहुत जरूरी है, लेकिन मंदिरों का उस स्वरूप को तोड़ना, यानी क्योटो बनाने के दौर में हम काशी को भूल जाएं, हम अपने काशी का अतीत, इसका मतलब ये हुआ कि या तो काशी से बेहतर क्योटो है, जबकि हम जानते हैं कि काशी मेरा महान है और काशी रहेगा। तो काशी के व्यक्तिक स्वरूप को, जो मूल स्वरूप है, उसको तोड़ के विकास के प्रति मुझे पसंद नहीं है। रियल काशी को एक दोहे में मैं बताता हूँ क्या है कि सड़क साढ़ पागुर करे, हुटर करे सलाम, और दाए में बाया घुसे काशी चक्का जाम। तो रियल काशी ये है जहाँ हुटर पीछे चलता है, साढ़ आगे चलता है। आप साढ़ को खदेर के बाहर कर रहे हैं, बंदर को बाहर कर रहे हैं, भिखारियों को बाहर कर रहे हैं, पागलों को बाहर कर रहे हैं, मजदूरों को बाहर कर रहे हैं, और तब उस काशी को अंबानी और अडानी के हवाले करने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के हवाले करना चाहते हैं। आपने बना दिया कॉरिडोर, अब ये बताइए कि अब इंजीनियर को पता चला है कि सावन में जब सारे घाट डूब जाएंगे तो लाखों दर्शनार्थी घाट के माध्यम से आएंगे कैसे, और भीड़ कैसे खत्म होगी काशी की। तो सवाल यह उठता है कि यहाँ पर क्वींस कॉलेज अंग्रेज ने बनाया था, अंग्रेज के समय की बात है, और उत्तर भारत में पहला कॉलेज बना था क्वींस कॉलेज, जो संपूर्णानंद विश्वविद्यालय है, और उसकी बुनियाद नहीं दी थी, तो काशी के लोगों ने हंसना शुरू किया कि देखिए ये ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं, कैम्ब्रिज से अंग्रेज, और इनको फाउंडेशन देने नहीं आता था, वो वरुणा में कूद कर आत्महत्या कर ली उस इंजीनियर ने। तो ये विकास जो हो रहा है कि आप खोद दे रहे हैं, गंगा को खोद दे रहे हैं,
बाद में गंगा भर दे रही है। तो ये जो खुदाई से खुदा खोजने की कोशिश है काशी में, ये इतना आसान नहीं है। ये कंकर कंकर शंकर है यहाँ पर। उधर से आवाज आ रही है, थोड़ा हम उधर भी चलते, थोड़ा बात करते हैं। आप लोग देखिए, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं। आप लोग के क्या विचार, देखिए वहीं अगल बगल बैठे हैं दो अंकल जी, और दोनों लोग के विचार अलग अलग हैं, लेकिन मजा आ गया। यही सुंदरता है काशी की, भौकाल है ये। आपका क्या, आपके नजर में क्या भौकाल है? विकास तो मोदी के राज में हुआ ही है, और मोदी बनारस के लिए ठीक भी है। जो भाई आजादी के बाद इतना विकास काशी का हुआ है मोदी की वजह से, तो 70 सालों में बहुत विकास हुआ जितना नहीं हुआ था, और ठीक है। मोदी एक बार और जरूरत है बनारस, एक बार और जरूरत, एक बार और जरूरत, ठीक है। आपका क्या मानना है भैया? आज तक जो जितना भी विकास हुआ, 70 साल के विकासों को पछाड़ दिया है 7 साल के विकासों ने, और आज काशी की जनता गदगद है, अभिभूत है। माननीय प्रधानमंत्री और योगी जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है अपने काशी का, वो आज तक देखने को नहीं मिला था। आश्चर्यचकित हैं लोग कि बिना कम समय में इतना जो है, काफी धन से जो है काशी का विकास काफी मतलब हाँ, जी, का मतलब सीधी बात ये है, जी कुल मिला के कहना चाहते हैं कि 70 साल में जितना विकास नहीं उतना 7 साल में ये विकास कर दिए मोदी जी। इनका कहना है, हमारा ऐसा कुछ नहीं कहना है। हाँ, है ये प्रोफेसर साहब अभी बहुत, ये पॉलिटिकल चमचागिरी का दौर है, और लमसम यही साइंस के विरोधी रहे हैं। परंपरावादी बात करते थे, और आज टेक्नोलॉजी की बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, तो ये पॉलिटिकल चमचा। और बौद्धिक वर्ग करे, एक प्रोफेसर इस तरह की बात करें, वो भी फिलॉसफी के प्रोफेसर हैं, साधारण प्रोफेसर हैं। फिलॉसफी मतलब हर चीज में संभावना ढूंढने, व्यक्तिवादी नहीं, मैं पॉलिटिकल चमचागिरी पे ही बोल रहा था। तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं से एक चमचागिरी के, जहाँ सशक्त सरकार चलती हो वहाँ लोग डर के मारे भी घुसते हैं, सटते हैं, एक चमक के द्वारा सटते हैं, कुछ अपने लाभ के लिए सटते हैं, कुछ डर के मारे सटते हैं कि मेरा नुकसान ना हो। तो ऐसे ही पॉलिटिकल चमचागिरी में ओवरऑल बनारस में जो हो रहा है वो परंपरावादी नहीं है, वो बिल्कुल परंपरा से हट के हो रहा है। तो लोगों को, कुछ लोगों को बुरा लगा, जैसे भाई को बुरा लगा, वो तो स्वाभाविक है कि एक सांड की महत्ता यहाँ है, और सांड को आप अलग कर दें तो काशी की काशी का खंडन तो होता है। बिल्कुल, इधर इधर से कुछ लोग बैठे हैं। अशोक कुमार वर्मा मैं बोल रहा हूँ, भाजपा के राज में बहुत अच्छा काम हुआ यहाँ, बहुत अच्छा काम, हम संतुष्ट हैं। आप संतुष्ट हैं? कैसे संतुष्ट हैं, जरा इसलिए संतुष्ट हैं कि बिजनेसमैन हैं, अपने कल को देखना है, इसलिए आप संतुष्ट हैं। अच्छा, सही बताएं, क्या संतुष्टि होती है आपको? सड़क बन गया, ये तमाम विकास, विश्वनाथ मंदिर बन रहा है, 370 धारा हट गया, 335 ए हट गया, ये बहुत बड़ी चीज हुआ। तो जम्मू कश्मीर में क्या हटा है, आप बनारस बताइए, बनारस में क्या हटा और क्या लगा है? बनारस में विकास हुआ है, थोड़ी हटा है, नहीं हटा है, मानते हैं, लेकिन यहाँ विकास हुआ है भाई, ऐसी बात नहीं, तमाम सड़कें बनी हैं। मोदी जी से आप खुश हैं कुल मिलाकर? हाँ, खुश हैं, खुश। मेरा नाम शरद शुक्ला है। शरद शुक्ला जी हमारे साथ हैं, और मतलब क्या माहौल है आजकल बनारस का, क्या लगता है कुछ भाई? विकास विकास हो रहा है या फिर खाली माहौल ही बना है, खाली भौकाली बना? विकास तो शहर के बाहर तो बहुत हुआ है, शहरों का ही एक नमूना मैं बता दूँ। 5 साल हो गए यहाँ बिजली तारों का जो जाल बिछा था वो गायब हो गया। ये बहुत अच्छा कार्य मोदी जी ने किया, हम लोग प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अब वो जो एंगल लगे थे, जो 5-4 जाते थे घरों में से, पोल से ऐसे, वो आज भी पूरे शहर गलियों घरों में वैसे ही लगे पड़े हैं। सड़कों पर पोल देखिए सामने, एकदम वैसे ही बिखरा पड़ा, जैसे पोल दिखाइए आप दिखाइए, आज भी वैसे ही झाड़ झंखाड़ की तरह से स्थितियां हैं। विकास ये होता है कि वो सब भी हटा दिया गया होता, लाखों करोड़ों का माल है, वो सब निकाल दिए गए होते, हटा दिए गए तो वो भी एक सफाई होती। और दूसरी चीज कि यहाँ जातिवाद की तरह से मुद्दे भी बंट गए हैं। अच्छा, जातिवाद का मुद्दा है मतलब? नहीं नहीं, जातिवाद की तरह से, उदाहरण के लिए क्या बदल गया है, महंगाई है, वो भाजपा की समर्थित, अब भाजपाई लोगों के लिए नहीं है, बाकी लोगों के लिए है। अच्छा। यानी उनको दुकानदार अलग दाम में देता है, हमको अलग दाम में देता है। अच्छा। रोज कुआं रोज
पानी खाना करने वाला आदमी भी यदि भाजपा समर्थक है तो कहता है कि कहाँ मिलता है तनी हमको भी बताओ, हम भी खरीदना चाहते हैं। नहीं यही तो बात है, यदि रोज रोज कुआं खोदना होगा, पार्टी ज्वाइन करना होगा आपको, भाजपा में आना होगा। सुनिए अंतर क्या है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, इससे कोई इनकार नहीं करता है, लेकिन रोज कुआं खोदने, पानी पीने, खाना खाने वाला आदमी भी यदि भाजपा समर्थक है, भाजपा वोटर है, उससे महंगाई की बात करिए तो कहता है महंगाई कहाँ है। यानी ये सोचने वाली बात है, गैस, तेल, पेट्रोल, डीजल, आज खेतों की जुताई यदि 5,000 रुपया ट्रैक्टर वाला लेता था एक बार की जुताई का, तो वो 8,000 रुपया ले रहा है। ये सब अब एक बार जब खेती होती है तो कम से कम 3 से 4 बार जुताई करनी पड़ती है। अच्छा, अब किसान के बारे में क्या आपका ख्याल है? किसान तीनों कृषि कानून को लेकर के काफी विरोध हुआ, हंगामा हुआ, यूपी वेस्ट में काफी बखेड़ा हुआ, और पंजाब से लेकर उसके लिए तो किसान तैयार है। नहीं उसके लिए किसान तैयार है, आप MSP जो है उसको लागू करिए, MSP पर निर्धारित करके जो है। नहीं तो सरकार ने तो कहा है कि एमएसपी पे गारंटी देंगे, लिखित देंगे, गारंटी आने वाले समय में, आने वाले समय में उस पे बिल बनाएंगे। ए, ए, एक मिनट, एक मिनट, बिल बनने में तो समय नहीं लगा, खाली नहीं नहीं सुनिए, नहीं नहीं ये जो तीनों बिल बने हैं इसको पास होने में समय नहीं लगा, लेकिन अब MSP पर बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे, अब वो 24 के बाद बनाएंगे, फिर 29 के बाद यही करते जाएंगे। हाँ उसमें क्यों समय लग रहा है? इतने दिनों की बातचीत हुई, इतने दिनों कई राउंड बातचीत हुई, राकेश टिकैत जी गए वहाँ पे, कई सारे नेता गए, लेकिन अंदर जब बातें होती थी तो सरकार का कहना यही था कि ये लोग सीधे यही मांग करते थे कि कृषि कानून, तीनों कृषि कानून को खत्म कर दिया जाए, मतलब कानून को खत्म करना ही उपाय है इनके नजर में। और बात पहले कर दी कि MSP से दिक्कत है, MSP की गारंटी नहीं, जब MSP पे गारंटी देने की बात हुई तो फिर उसके बाद कहने लगे कि कानून ही खत्म कर दीजिए, तो समाधान तो इस तरह नहीं होगा। MSP की गारंटी पर तो टिकट तैयार है, अभी इधर भी जो बोल रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि MSP लागू कर, क्यों बार बार आता है सामने शिकायत के बारे में? आपका देखिए हर चीज के पीछे थोड़ा सा पॉलिटिकल वो है, लेकिन किसानों की ये समस्याएं हैं, टिकट कुछ भी कहें, लेकिन किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है अपनी मेहनत का, अपनी खेती का। साफ साफ अंकल जी का कहना है कि किसान को लेकर काफी समस्याएं, चाय पी रहे हैं अंकल जी, हम भौकाल यूपी का लेकर के आए, कुल मिलाकर के भौकाल सब यहीं से निकलता है, और हम भौकाली गुरु की तरह निकले हैं हिंदुस्तान पे नया शो लेकर के, भौकाल यूपी का, भौकाल सब बनारस होता है, बनारस के बारे में बताइए, बहुत पॉलिटिकल चर्चाएं हुई, भौकाल कहाँ से आया और भौकाल कितने प्रकार के हैं बनारस में? बनारस का भौकाल का अगर कहेंगे तो केवल भौकाल ही है यहाँ। अगर कार्य आप ढूंढेंगे तो कार्य शायद कम दिखाई देगा, भौकाल ज्यादा दिखाई देगा। जो काम हो रहे हैं वो नो डाउट, मतलब काम आपके कुछ बहुत बड़े काम प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे विश्वनाथ कॉरिडोर का है या घाटों का, इनको लेके रोड वगैरह भी अब अच्छी है बनारस में, बिजली की व्यवस्था बहुत अच्छी है इस समय, लेकिन सब मिलाने के बाद मुख्य जो चीज़ें आदमी की ज़रूरत की होती हैं वो रोटी, कपड़ा, मकान, यह तीन चीज़ों को छोड़ दीजिए, बाकी सब आनंद ही आनंद है, सारे भौकाल ही है। महंगाई या बेरोजगारी दोनों पार्टीगत बंट गई है, हैं पार्टीगत बंट जाए, हमने अब जैसे देखिए बेरोजगारी है, आप यदि भाजपा समर्थक, भाजपा वोटर हैं, बेरोजगार हैं, हम कहेंगे कि एक आपको हमने एक उदाहरण, नहीं एक उदाहरण हमने कहा, तो यदि हम कहें कि बेरोजगारी है, नहीं नहीं बिल्कुल बेरोजगारी कहीं नहीं है, महंगाई कहेंगे तो कहेंगे नहीं बिल्कुल कहीं महंगाई नहीं है, समझ में नहीं आता कि उनको कहीं से अलग से सस्ता मिल रहा है क्या, हमको नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से ये पार्टी में बढ़ गया है महंगाई जो है। अच्छा, महंगाई पार्टी में बढ़ गया है, क्या है ऊपर आप सर्वे करिए। अच्छा, एक 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 सवाल हम जानना चाहते हैं आपसे, नहीं नहीं एक सवाल, वाराणसी मतलब वरुणा धनसी, वरुणा में कार मेरा ये मानना, आपको आपको क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, मतलब मैं आपको क्या दिखाई दे रहा है? पहले आप सड़क पे निकलेंगे तो जो एक पीढ़ी घाट की सीढ़ी नहीं देखा था, उस पीढ़ी ने घाट की सीढ़ी देख लिया, नैन भाई दामोदर दास के चलते, ठीक है, जिस देश जहाँ एक क्लर्क झाड़ू नहीं लगाता था, वहाँ जब PM झाड़ू लगाया तो CM झाड़ू लगाने लगा, और फिर DM भी झाड़ू लगाने लगा, और अपना कमरा प्रियंका भी बटोरने लगी। ये कौन संस्कार सिखाता है? ये क्या बात करेंगे, मोदी सरकार और संस्कार दोनों चला रहे हैं,
लोग अपने माँ बाप को ले जाके वृद्धाश्रम में रख देते हैं। नरेंद्र भाई मोदी पीएम होते हैं तो अपनी माँ का जाके चरण स्पर्श करते हैं। सबसे बड़ी बात है ये वही कांग्रेस है ना, जो महिला बिल आता है तो महिला बिल फाड़ देते हैं, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। ये महिला बिल फाड़ने वाले लोग कह रही हैं कि लड़की उड़ा सकती हूँ। हाँ, कहना लड़की उड़ा सकती हूँ, उसने कहा कि खाली लड़की लड़ सकती है, यानी कि कांग्रेस में इसके पहले जो मर्द थे वो नहीं लड़ पाए, अब खाली लड़की लड़ेगी और उसके बाद वो बताएं कि 40% महिलाओं को टिकट मिलेगा। हो सकता है आने वाले दिनों में वो कह लें कि जो कांग्रेसी है वो भी कल से सलवार समीज पहनेंगे, तो कैसे लगेंगे दिग्विजय सिंह, ये दिग्विजय। चलिए हो गया हो गया। देखिए देखिए देखिए, एक बात लड़की उलर सकती हूँ पे मेरा एक सवाल था किसी से, कोई है जो लड़की उलर सकती हूँ स्लोगन को सपोर्ट करता है, कोई है यहाँ पे? मैं एक सिर्फ बात जानना चाहता हूँ वहाँ पे कि प्रियंका जी जब बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जब प्रियंका जी बोल रही थी वहाँ पे, तो मंच पे 7-8 लोग थे और लड़की उलर सकती का नारा देने वाले 10 लोग में से 7 लोग मर्द थे और 3 लोग महिला थी प्रियंका जी को लेकर के। क्या यही संदेश देने आई थी प्रियंका जी कि 7 लोग को मंच पे बैठाओ? नहीं नहीं, प्रियंका जी ये संदेश देने नहीं आई। 135 साल की पार्टी है कांग्रेस और 30 से 35 साल की पार्टी है बीजेपी, ये भी आप ख्याल रखिए। एक बात, दूसरी बात, प्रियंका इस प्रदेश और देश की करोड़ों महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही है। उत्तर प्रदेश राम की धरती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश राम की धरती है। नारा लगता है इस प्रदेश में जय श्री राम, मंदिर बनता है जय श्री राम, ठीक है। सीता कहाँ है भैया, सीता कहाँ है? जिस कोख से पैदा हुए, जिस भारत माता से हम पैदा हुए, उस भारत माता के लिए अगर वो आधी आबादी के लिए जगह मांग रही है प्रियंका गांधी, आप जानते हैं, तो उस भारत माता से भी विरोध है। और प्रियंका गांधी, अगर प्रियंका गांधी में अगर भारत माता की पुत्री छवि नहीं है तो भाजपाई बतावे कि उनकी पुत्रियों में क्या पुत्री की छवि है? एक, प्रियंका सबकी बेटी है, एक बात। दूसरी बात, श्री राम का नारा लग रहा है उत्तर प्रदेश में, सिया राम का क्यों नहीं लग रहा है? आधा नारा ये पुरुष वर्चस्व का नारा है या महिलाओं को दबाने का नारा है, कुचलने का नारा है? एक तरफ एंटी रोमियो दस्ता, दूसरी तरफ वैलेंटाइन डे पे भाई बहन बनाओ, तीसरी तरफ लव जिहाद पे कानून बनाओ, चौथी तरफ स्त्रियों को बलात्कार हो तो उस बलात्कारी भाजपाई नेता और मंत्री को छोड़ दो, और पांचवी तरफ आप अनेक उदाहरण आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश में घटित हो चुके हैं, उस डिटेल में मत जाइए। और आप इनका कांग्रेस का, दरअसल प्रियंका सीता का हक लेने के लिए राम से आई है, आधा राम अभी है भाजपा के, और जब प्रियंका आएगी तो सीता राम बनेगा और उत्तर प्रदेश सचमुच का विकास प्रदेश बनेगा। मतलब मैं जानना चाहता हूँ आपकी नजर, प्रियंका भविष्य की नेता है और प्रदेश की नेता नहीं, हिंदुस्तान की नेता है। और प्रियंका गांधी, देखिए आने और जाने की बात छोड़िए, वो तो तय होगा। एक सवाल मेरा यहां पे मैं करना चाहता हूं, मैं सिर्फ एक जानना चाहता हूं, ये मेरे अपने सवाल है। मैं किसी, मैं तो पार्टी का हूं, तो मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में हाथरस में कोई दुर्भाग्यपूर्ण काम होता है जो कि वाकई में मतलब खंडित करने वाला है, महिला को मतलब शर्मसार, इंसान को शर्मसार करने वाला कांड होता है, लेकिन उसके बाद जब राजस्थान में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है, तो प्रियंका गांधी राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जाते? सिर्फ इतना सवाल, क्योंकि प्रियंका बेटी है, बेटी तो हर बेटी के लिए, हर मां के लिए समान। बिल्कुल, आप एक घटना को दिखा करके दूसरी घटना को दबा नहीं सकते हैं, और एक घटना के नाम पर अगर कोई लड़ रहा है तो पूरी दुनिया की समस्या उसके माथे पे नहीं रख सकते हैं। जाना चाहिए राहुल गांधी किस मसले पे नहीं बोल रहा है, प्रियंका गांधी हिंदुस्तान के किस मसले पे नहीं बोल रही है, आप दिखा क्या रहे हैं? एक ऐसा दौर है जिसमें क्या दिखाया जाता और क्या नहीं दिखाया जाता है यह भी तय किया जा रहा है, और ये सरकार तय कर रही है। सुलभ शौचालय है, एक कांग्रेसी है, कांग्रेस और कांग्रेस के एक कम्युनिस्टी है, कांग्रेस के अटैच लेटिन बाथरूम। पांडे जी विकास पे कम बोलते हैं, मोदी जी का झाल ज्यादा बजाते हैं। ये सुनिए सुनिए, प्रियंका पंथी कीर्तनिया, प्रियंका भैया सुनो यार, प्रियंका बाद्रा की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है, ये दिया था कि नहीं? और फिर आज जो कालनेमी को पिछाड़ दिया उन्होंने,
और उन्होंने उन मामा मारीज को पिछाड़ दिया भेद बदलने में। आज घूंघट खाड़ के घूंघट के पट खोल रहे तो है पिया में क्यों दर्शन गई क्यों गई, यह हक है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा कांग्रेस ने दिया कि राम सीता वास्तविक पात्र नहीं है। अगर तुम कहते हो कि उनकी नाक इंदिरा से मिलती है तो हम कहते हैं माथा फिरोज गांधी से मिलता है, तो कौन सी बुरी बात है। और सबसे बड़ी बात है सुनिए, उत्तर प्रदेश में आप दिखाई देता है, झारखंड में सबसे ज्यादा हत्याओं का दर हो रहा है, वहाँ का बघेल यहाँ कानून पर आंसू बहाने आता है, वहाँ छत्तीसगढ़ में हाँ। उसके बाद सुनिए, राजस्थान में एक लड़की का पैर काट के बलात्कार किया जाता है, प्रियंका नहीं जाती। मध्य प्रदेश का एमएलए बलात्कार में बंद है, उस पर प्रियंका नहीं बोलती, उन्हें सब कुछ उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है। और राहुल गांधी जी सुनिए, राहुल गांधी जी आए थे मोदी का विकल्प बनने, जानी लीवर का विकल्प बन के रह गए, और प्रियंका आई थी मोदी का विकल्प बनने, आज राहुल गांधी का विकल्प बन गई, और चुनाव के बाद वो लल्लू का विकल्प बन के रह जाएंगी उत्तर प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं। बस इतना करना। नहीं, एक बात मैं कहना चाहूंगा जी का कहना है कि देश भर में महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में इन्हें भी महिलाओं के साथ दुगुना तिगुना अन्याय करने का इनकी सरकार को छूट मिल जाना चाहिए। और प्रियंका गांधी अगर उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रही है, ये भूल जाते हैं कि भाजपा के नेता ने ही इंदिरा गांधी को जब पाकिस्तान और बांग्लादेश को अलग कर दिया था तो कहा था कि वो दुर्गा माता हैं, वो शक्ति हैं। और कांग्रेस हमेशा से भारतीय संस्कृति और परंपरा की पार्टी रही है, कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म है जहां गांधी हैं, जहां पर सुभाष चंद्र बोस हैं, जहां पर अनेक तरह की विचारधारा और जहां पर मदन मोहन मालवीय जैसे व्यक्ति भी हैं। इसलिए कांग्रेस एक समुद्र की तरह है और बीजेपी अभी ये नई बरसाती नदी है जो छम छम करके नाच रही है और अगल बगल के कूल किनारों किसानों को काटते हुए गाँव को निकल रही है। ठीक है, भादो का पानी गिरता है, अगहन पूस का महीना आता है, थिर होता है, आप इंतजार कर लीजिए। 70 साल चलाने वाली पार्टी अगर हिंदुस्तान से जा सकती है तो 7 साल वाले की कितनी औकात है, हमें अहंकार में नहीं आना चाहिए और ये याद रखना चाहिए। यही भौकाल है, देखिए मतलब इतनी सुंदर तस्वीर तो हमने नहीं देखी आज तक। देखिए जो पार्टी 70 साल शासन की और गाँव में शौचालय नहीं दे पाई, इज्जत घर नहीं दे पाई, उनके लिए इज्जत खाली 10 जनपद बना रहा और गांव में शौचालय नहीं दे पाई। हम आए 7-8 साल चले, अभी चल रहे हैं और हमने गांव गांव में इज्जत घर देने का काम किया है, इससे बड़ी शर्मनाक बात उस 70 साल वाली बात। बहुत अच्छा है कि इनकी पार्टी ने शौचालय दे दिया है लेकिन पेट खाली कर दिया है। शौचालय तो बन गया, आप जाएंगे कैसे, जब कुछ पेट में रहेगा तब ना शौचालय का उपयोग करेंगे। तो इस पार्टी उस पे ध्यान नहीं दे रही है कि उनका आदमी का गरीब का पेट भर रहा है कि नहीं। शौचालय देने से क्या हो जाएगा, शौचालय केवल यही विकास का कारण है, पेट खाली रहे। गैस दिया अन्य योजना कुछ मतलब मोदी जी ने लाया, जिन्हें गैस दिया वो खरीद नहीं पा रहे हैं, 1000 से ऊपर गैस सिलेंडर चला गया और 80 करोड़ लोगों को फ्री अन्न दिया जा रहा है। अन्न के पैकेट में क्या क्या होता है, अन्न के पैकेट में सब रहता है, दाल चावल जो भी हो सभी रहता है, लगातार मिल रहा है। ऐसा है कि 70 सालों के बाद इस देश की 135 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ को कटोरा थमा दिया और 80 रुपये के अनाज का झोला 113 रुपये का और दाढ़ी वाले की उसमें फोटो और 80 करोड़ भिखमंगा इस देश में तैयार हुआ है। पिछले सप्ताह यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट है कि पिछले सप्ताह ग्लोबल हंगर इंडेक्स में यानी दुनिया की भुखमरी के कटोरे वाले इंडेक्स में हिंदुस्तान बांग्लादेश और नेपाल और श्रीलंका से भी नीचे चला गया है। केवल अफ्रीकी कुछ देश ऐसे हैं, भुखर देश जो हमसे ऊपर हैं, हिंदुस्तान को हम 91 से 101 भुखरी में पहुंचा रहे हैं। किस क्षेत्र में आपने किस क्षेत्र में क्या किया है, किसान की आय आपने कई दुगुनी करनी थी 22 में दुगुनी हो गई, मैं आपसे पूछता हूं। 2 करोड़ रोजगार मिल गया, मैं आपसे पूछता हूं। 15-15 लाख रुपए खाते में आने थे, आपसे पूछता हूँ। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, रन अप इंडिया, करोड़ों लोग बेरोजगार होकर घूम रहे हैं सड़क पर, मैं आपसे पूछता हूँ। 4 कंपनियां जो हैं देश में अमेजन फ्लिपकार्ट राज कर रही हैं और गली मोहल्ले से लेकर सारे दुकानदार जो है खड़े हैं और 1 पैसे की बिक्री नहीं हो रही है। रसोई घर हमारा तबाह रुका हुआ है, ठहर गया, अनाज पहुंचा है, गैस वहां महंगी है, चूल्हा नहीं जल रहा है, इसीलिए भाई ने कहा शौचालय भी खाली है, शौचालय भी खाली है। और
आले भी हमारा खाली है, विश्वविद्यालय भी कोरोना के कारण खाली है, केवल इनका जो है दिवाले चल रहा है, और दिवाले भी नहीं चल रहा है, इनका वोट बैंक का भगवान जो है केवल उतना चल रहा है, बाकी कुछ नहीं चल रहा। चुनाव चुनाव इनकी सारी योजनाएं, इनका सारा विकास, वोट कैसे आए इनके खाते में, उसके अलावा कुछ नहीं है। और 70 के दशक में यही काम इंदिरा गांधी कर रही थी, उखाड़ कर फेंक दिया था जनता ने। आप ध्यान रखिए, आप कहते थे कि कांग्रेस गरीबी लाओ नहीं, गरीबों को मिटाने वाली पार्टी है, गरीब बनाकर रखने वाली पार्टी है। भाजपा ने कांग्रेस का की सारी बुराइयां ले ली हैं और यह देश में गरीबी बनाकर रखने वाली या गरीबों को मजबूर करके वोट लेने वाली पार्टी में तब्दील हो गई है। अच्छा। इसके अलावा कुछ नहीं। एक रैपिड फायर खेलेंगे हम लोग हर एक व्यक्ति से। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि अब की बार यूपी में किसकी सरकार? जनता बताएगी, जनता बताएगी। आपके नजर से कौन आएगा इस बार यूपी में? इस बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये बीजेपी। आपके तरफ से कौन? चलिए, कांग्रेस की सरकार। सीएम कौन बनेगा? वही प्रियंका गांधी। आपके नजर में भाजपा की सरकार? और कौन सीएम रहेगा इस बार? योगी जी वापस आएंगे? योगी जी। बदलाव तय है और भविष्य के गर्भ में तय है, क्या होगा अभी बताना उसके लिए उचित नहीं है। फिर भी आपके मन में क्या मतलब? बदलाव तय है, कौन आएगा ये भविष्य के गर्भ में है। कौन सीएम बनेगा इस बार? देखिए, बहुत ही टसल होगा और त्रिकोणीय होगा। जनता इस बार सीएम बनने जा रही है। लेकिन आप डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं, पार्टी का नाम बताइए। पार्टी नहीं, एक पार्टी का कहना मुश्किल है। त्रिकोणीय संघर्ष होगा, चतुर्कोणीय संघर्ष। कौन आएगा वापस? योगी बाबा। देखिए, योगी आपके नजर में आएंगे? योगी अभी बता दीजिए, कौन है? झंडा बना दीजिए, अब वही है। देखिए, कोई कंफर्म नहीं कहा। आप एक यहाँ बैठे हैं, चर्चाएं होंगी। मिली सरकार की उम्मीद है? मिली जुली सरकार किसकी, मतलब बीजेपी जाएगी इस बार? बीजेपी जाएगी। आपके नजर में क्या? अच्छा, हम योगी का ही भक्त हैं भैया। अच्छा, आप योगी के भक्त हैं? ठीक है, देखिए, यहाँ भक्त भी बैठे हैं, यहाँ विरोधी बैठे हैं, यहाँ हर कोई बैठा है, क्योंकि ये पप्पू चाय की दुकान है और यहाँ पर चर्चाएं होती है भौकाल में, एकदम फुल ऑन भौकाल, क्योंकि हम आपको दिखा रहे हैं भौकाल यूपी का, और भौकाल यूपी में सबसे ज्यादा जरूरी था भौकाल बनारस का, और बनारस के में पप्पू की चाय की दुकान। थोड़ा बैठते हैं यहाँ, आइए देखते हैं कैसे चाय बनता है, थोड़ा अलग अलग तरह का चाय बनता है यहाँ, हम बैठ के थोड़ा दिखाते हैं आपको। देखिए चाय कैसे बन रहा है, पहले दिखाइए इनको चाय। देखिए, ये लेमन टी है ना जी चाय, ये लेमन टी है। देखिए, एक लेमन टी बन रहा है और एक दूध वाला चाय है बगल में। देखिए, चाय भी इतना भर करके जिस तरह से बन रहा है। चाचा, दिन भर में कितना चाय बिक जाता होगा? ये कोई दुकानदार बताएगा? देखिए, ये कोई दुकानदार नहीं, यही बनारसी अंदाज है कि कहाँ है दुकानदार बताएगा हमारी कितनी बिक्री होती है भाई। देखिए, यही माहौल है। चाय थोड़ा हम भी छोटा, इससे भी छोटा चाय देते हैं क्या? इतना बड़ा चाय रहता है, बहुत बहुत भरकर चाय चस्का है लोगों के लिए ना, बनारस में गरम नशा है। मतलब आपका कुछ कहना, कब से है दुकान ये? 80-90 साल पुराना दुकान है, बहुत फेमस है, बहुत देखे हैं, बहुत सुने हैं, यहाँ पे बहुत चर्चाएं होती हैं। आप बताइए थोड़ा एक्सपीरियंस, आप बताइए जरा कि ये पारी केकर सरकार है, केकर सरकार है पारी? देखिए, यहाँ सारे 150 लोग बैठते हैं, इसलिए हम किसी का एक प्रश्न नहीं बोल सकते। अच्छा, सारे हाँ। आपको तो दुकान चलाना, देखिए हम पूछेंगे भी नहीं, कहा कि देखिए भैया को दुकान चलाना है अपना, और माहौल यही रहना चाहिए। देखिए, हर एक तरह के लोग बैठते हैं यहाँ पे, और बैठने भी चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, सामंजस्य जरूरी है, और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि भौकाल में अपने अपने अंदाज होते हैं, और सबके अंदाज हैं अपने अपने अंदाज। यहाँ ये है कि कोई कांग्रेस का है, कोई बीजेपी का है, कोई योगी का सपोर्टर है, कोई प्रियंका का सपोर्टर है, और इसी तरीके से भौकाल चलता रहेगा बनारस में।